ये पानी के वाल बंद करके औरतों को तकलीफ देने वाला जी हरकतें जो सियासत करते हैं उनका उनकी हड्डियां मैं तोड़ डालूंगा। ये पूरे जनता को मालूम है कि यहां पानी का नौटंकी कौन करता है। आप मुझे वोट दो मत दो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र वाड ने कहा है कि आम जनता के लिए पानी पहुंचाने में जो रुकावट बनेगा उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। मुंबई और आसपास के शहरों में झुग्गी झोपड़पट्टियों में बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं और इन परिसरों में पानी मुहैया कराने को लेकर राजनीति भी बड़े पैमाने पर होती है। ठाणे शहर के कलवा परिसर के वाघोबा नगर में झोपड़पट्टी में जहां 50,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और इसी परिसर में पानी की बड़ी किल्लत है, जहां पानी आपूर्ति की टंकी का औपचारिक उद्घाटन महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने किया है। और मंत्री जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि पानी के लिए किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सबको पानी मिलेगा। वहीं मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने उन लोगों की हड्डियाँ खुद तोड़ने का बयान दिया है जो लोग आम लोगों तक पानी पहुंचाने में रुकावट पैदा करेंगे। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कलवा के वाघोबा नगर में पानी की टंकी के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या बयान दिया है, सुनिए। ये पूरे जनता को मालूम है कि यहाँ पानी का नौटंकी कौन करता है। मैं तो जिंदगी में ये सब काम नहीं करूँगा। आप मुझे वोट दो मत दो, लेकिन वोट के लिए पानी बंद करना है ये हैवानियत का काम है, शैतान का काम है। वो काम मैं नहीं करूँगा। खुदा मेरे से यह काम करवा भी नहीं लेगा। मेरा पानी दिलाने का काम है, मैं पानी दिला के रहूँगा। आज मुझे खुशी है कि ये क्रांतिकारी काम हमारे हाथों से हुआ, हमारे सभी हाथों से हुआ, उसमें सभी का योगदान है। मैंने नाम लिया जायसवाल साहब का, जो खुद यहाँ पर आए थे देखने के लिए, विपिन शर्मा साहब का, और हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का। मैंने ऐसा नहीं कहा कि किसी ने मदद नहीं की, सभी ने मदद की, हमने मेहनत की और ये बना है। तो इसमें श्रेयवाद की लड़ाई आती ही नहीं। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मेरी माँ बहनें जो पानी के वजह से रोया करती थी, मेरे पास आके रोई है। आज मैं खुशनसीब हूँ जो उनको उनके आंसू पोंछ सका। मैं ये भी बात बता देता हूँ कि ऐसा ही काम भास्कर नगर में होगा, ऐसा ही काम पौंडपाड़ा में होगा और ऐसा ही काम भुलाई नगर में होगा। ये पानी के वाल बंद करके औरतों को तकलीफ देने वाला जी हरकतें जो सियासत करते हैं उनका उनकी हड्डियां मैं तोड़ डालूंगा।